हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ फ्यूचर रिटेल। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल में जो है मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ रही है फ्यूचर ग्रुप के लिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आप देख सकते हो लगातार लोअर सर्किट हमें लास्ट वीक में देखने को मिले थे, इंक्लूडिंग आज का सेशन भी, जहाँ पे 4.80% की जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। तो फ्यूचर रिटेल का शेयर फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, और जैसे कि हमने बोला है आपको कि रिलायंस ने जो है डील कैंसिल कर दी है, वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है डील में, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन SBI और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अभी NCLT को अप्रोच किया गया था कि इस कंपनी को जो है बैंकरप्ट जो है घोषित किया जाए। तो उसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूँ सारे ट्रेंडिंग शेयर्स के बारे में, इंक्लूडिंग दिस फ्यूचर रिटेल, तो आपको उसके बारे में ऑन टाइम इन्फॉर्मेशन मिले। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इतनी हेल्प तो आप कर सकते हो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, NCLT गिव्स फ्यूचर रिटेल टाइम टिल May 12 टू फाइल रिप्लाई ऑन इंसॉल्वेंसी प्ली। तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो रिक्वेस्ट करी गई है NCLT को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने जो लेटर सबमिट किया है उसके अगेंस्ट जो है रिप्लाई सबमिट करने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम मांगा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यूरिंग द हियरिंग गौरव जोशी रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर रिटेल रिक्वेस्टेड द ट्रिब्यूनल फॉर मोर टाइम टू फाइल द रिप्लाई टू द पिटिशन। मतलब जो बैंक ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट की है उसके अगेंस्ट रिप्लाई देने के लिए उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है, और इसकी वजह से NCLT ने जो है टाइम दिया है 12 मई तक। अभी 12 मई तक उनको सुनवाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है यहाँ पे कुछ प्रोसीडिंग्स होगी। तो ओवरऑल एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का प्ली है वो। फ्यूचर रिटेल हैज़ डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ 5,322 करोड़ टू इट्स लेंडर्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑन गोइंग लिटिगेशन विथ ई कॉमर्स मेजर अमेजोन टू अदर रिलेटेड इश्यूज। तो ये सारी पिटीशन यहाँ पे जो है सबमिट की गई है। ओवरऑल जो डेथ है फ्यूचर रिटेल के ऊपर वो भी सबमिट किया गया है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थे फ्यूचर रिटेल के, उन्होंने जो है ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट किया है कि उनको थोड़ा सा टाइम मिले, और वो टाइम उनको दिया गया है। अभी देखते हैं कि 12 मई से पहले या 12 मई को किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है फ्यूचर रिटेल सबमिट करती है, वो बैंक्रप्सी की तरफ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, वो हमें आने वाले टाइम में जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ तक डेट की बात की जा रही है और जितनी भी होप्स उनके साथ थी, उस हिसाब से लग रहा है ये जा सकती है। लेकिन अगर कोई एंटिटी सपोर्ट करता है इनको, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत बड़ा ब्रांड है बिग बाजार, वो डायरेक्टली जो है इंडियन मार्केट से जो है गायब होना बहुत बहुत शॉकिंग भी रह सकता है, और बहुत अलग रिप्रेजेंट भी कर सकता है इंडियन बिजनेस, जो रिटेल बिजनेस है उसको। और हमें भूलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस प्लेटफॉर्म था ये। तो यही है, अगर किसी को या किसी और एंटिटी को इसमें कोई स्कोप दिखता है फ्यूचर में, तो डेफिनेटली अगर वो हेल्प करते हैं तो यहाँ पे बिफोर 12th में भी फ्यूचर रिटेल रिक्वेस्ट कर सकता है NCLT को कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है वो ना करे, हम रेडी है जो भी लेंडर्स के पेमेंट्स है वो पे करने के लिए। अगर ऐसा स्टेटमेंट फ्यूचर रिटेल की तरफ से आता है टाइम मांगने के बाद, तो डेफिनेटली पॉजिटिव होप्स तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जिसके चांसेस हमें सबको पता है कि बहुत कम है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट्स आते हैं फ्यूचर रिटेल के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।